फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का बॉक्स ऑफिस पर कहर जारी। अपने दूसरे वीकेंड में भी दुगनी कमाई कर फिल्म ने 11 दिनों तक कमा लिए इतने करोड़ रुपए। तो वही फिल्म स्त्री 2 भी कर रही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई। 32 दिनों तक फिल्म पहुंची इतने करोड़ के पार। तो वही फिल्म अजंता रैंडम मोसरम सरीपोड़ा शनिवारम खेल खेल में एंथांगलंग बॉक्स ऑफिस पर क्या है हाल जानेंगे इस वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के सिनेमाघरों में रिलीज हुए आज 11 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म के सेकंड संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 की। तो फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 20 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर डे 11 तक टोटल 420 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। जहां फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से 190 करोड़ ग्रॉस, तो फिल्म का हिंदी वर्जन से 17.85 करोड़ नेट, तो फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉक्स ऑफिस से 14 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 400 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। दोस्तों बता दो कि फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए थालापति विजय को 200 करोड़ की फीस दी गई है। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में थालापति विजय डुअल रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वे बाप और बेटी का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। फिल्म को फिलहाल ऑडियंस के द्वारा ठीक ठाक रिस्पॉन्स देखने को मिला। फिल्म अपने सेकेंड वीकेंड में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करने में भी कामयाब रही है। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो आप एक साल 2024 की थालापति विजय के करियर की बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्त्री 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32 के बारे में। दोस्तों 15 अगस्त रिलीज फिल्म स्त्री 2 के सिनेमाघरों में रिलीज हुई 32 डे कंप्लीट हो चुके हैं। बात करें फिल्म के 5th संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32 की, तो फिल्म स्त्री 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32 के अंदर 8.20 करोड़ की नेट कमाई कर टोटल 32 डेज तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 588.20 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड 805 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों बता दो कि फिल्म को ओवरऑल 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। 60 करोड़ के मुकाबले फिल्म वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म स्त्री 2 फिलहाल पठान, जवान, एनिमल जैसे बड़ी फिल्मों के इंडिया बॉक्स ऑफिस लाइफ टाइम कलेक्शन को तोड़ चुकी है। फिल्म स्त्री 2 को दोस्तों अगर आपने अभी तक मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म सरीपोड़ा शनिवारम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म सरीपोड़ा शनिवारम के कलेक्शंस की। बात करें तो फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 18 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे तेलुगु लैंग्वेज की पैन इंडिया रिलीज फिल्म सरीपोड़ा शनिवारम के 18 डे कलेक्शन की। बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 1.45 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर टोटल 18 डेज तक वर्ल्ड वाइड 110.45 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉक्स ऑफिस से 57.20 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म सरीपोड़ा शनिवारम में नानी एंड एस जे सूर्या नजर आ रहे हैं। फिल्म में दोस्तों ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। फिल्म नानी के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक है। फिल्म दोस्तों हिंदी वर्जन में भी रिलीज है। फिल्म को हिंदी में सूर्या सरडे करके रिलीज किया गया है। फिल्म सरीपोड़ा शनिवारम को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म अजंता रैंडम मोसरम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे मलयालम लैंग्वेज की साल 2024 की टोविनो थॉमस बासिल जोसेफ स्टारर फिल्म अजंता रैंडम मोसरम के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म के सिनेमाघरों में 4 डेज कलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। फिल्म फिलहाल सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से 5 करोड़ की ग्रॉस ओपनिंग कर शानदार शुरुआत की, तो वहीं फिल्म ने अपने प्रीवियस डे 3 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 17 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर शानदार कमाई कर चुकी थी। बात करेंगे फिल्म के फर्स्ट संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की, तो फिल्म अजंता रैंडम मोसरम ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 8 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर टोटल 4 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। फिल्म का केरला के बॉक्स ऑफिस से टोटल 14 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शानदार कमाई कर चुकी है। फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुली रनिंग कर रही है। फिल्म को ओवरऑल 30 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। 30 करोड़ के मुकाबले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। दोस्तों बता दो कि फिल्म टोविनो थॉमस के करियर की 50वीं फिल्म है। फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में पॉजिटिव रिव्यू मिला है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म दंगलंग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32 तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। दोस्तों बात करेंगे
जान विक्रम एंड मालविका मोहनन स्टार फिल्म दंगलांग के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म के रिजवे सिनेमाघरों में 32 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों बता दूं कि फिल्म तमिल लैंग्वेज की एक एडवेंचर फिल्म है। फिल्म ने जहां अपने पहले दिन 26.45 करोड़ की ग्रॉस ओपनिंग कर साल 2024 की तमिल की बेहतरीन कमाने वाली फिल्म बनी थी, तो वहीं फिल्म ने महज 15 डेज के अंदर ही वर्ल्ड वाइड से 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर शानदार कमाई कर चुकी थी। दोस्तों बता दूं कि फिल्म को 6 सितंबर 2024 को हिंदी में भी रिलीज किया जा चुका है। फिल्म का फिलहाल ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुका है। फिल्म को 20 सितंबर को नेटफ्लिक्स, हुलू और अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा रहा है। फिल्म दंगलांग 32 डेज तक फिलहाल कलेक्शंस करने के मामले में 110 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म दंगलांग फिलहाल अब ओटीटी पर पूरी तरह से उपलब्ध है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो इसे बड़े पर्दे पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं फिल्म खेल खेल में के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 32 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में के कलेक्शंस की। बात करें तो फिल्म खेल खेल में के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 32 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे 32 डेज तक फिल्म के कलेक्शंस की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 32 के अंदर 85 लाख की कमाई कर टोटल 32 डेज तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 42.60 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है, तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड 61 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म खेल खेल में को ओवरऑल 100 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर फिल्म खेल खेल में फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेखा जोखा हाल फिल्म के कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक का सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरी इस एंटरटेनमेंट न्यूज कलेक्शंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।